ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ दरिया जंगलात महकमे ने जंगलात दरिया के बेनती है कि वो करके डाफ सफाई करवा के कल मंत्री साहब साढ़े नाल रहे हैं इन्होंने पूछो किन्ने किन्ने पानी दे विच सी और ये खुद मेरे ख्याल है रब नूं याद उस वेले करने वाली गल साइकल जिन्ने भी हुण बने हुए मैं अपने अफसर कुदरत ने मारता पाती सर्वे भी करके दिया के जिथो भी पानी लंघे सड़क चुकी है मतलब पानी नहीं क्या है कि तुम जो मर्जी कर लो मैं इतो की लंघ नहीं जो 40 फुट सड़क टुटी है ना 100 फुट दड़ोलिया उपर की कर लो भावे उतो की पानी चलेगा चले कदे तो आऊंगा कि मैं लंघे हुए इतो की सो ये जेडे कुदरती पहाड़ टुट गए नैचुरल फ्लो जेड़ा ग्रेविटी मुताबिक कहने जाता है ग्रेविटी आ रही है इधर हाईवे बन रहे ने 30 फुट उच्च हाईवे ने डैम बना दो साइफन बनाए सो असि NHAI भी देख रहे कि सानू जिथो जिथो पानी छोटे छोटे उच्चे उच्चे बढ़ा ना आए ओके बिल्कुल चाहिए और हाँ मैं कर नहीं डिसिल्टिंग तो असि सारे दरियावा की करा कि मतलब एक बार मिट्टी काट के सब तो मैं दुख पता कि गल मिट्टी आ गई जो लोग आप सिपाही बने पे ने कुदरती आफत सारे कठे होके करना जर नहीं सर जो करूंगा इधर 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 आना भाजी इधर की गल हुई वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह अज इस इलाके दियां मंगां सी उहदे बारे सीएम साहब नाल गल हुई है उहदे बारे उन्होंने याद करवाया गया कि साइड में कोई गोली नहीं है एक कारण है एक दरिया दे विच जिहड़ा जंगलात लग गया जिहड़ी जिहड़े दरख्त लग गए उन्होंने कारण जिहड़ा पानी जिहड़ा फैलिया आले दुआले नूं नुकसान किया इहदी बड़ी जरूरत है। दूसरा इहदे नाल नाल ही ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਕੈਡਮੀ ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੂਆ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਣਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ